भारत के संविधान द्वारा स्थापित मूलभूत अधिकारों में शिक्षा का अधिकार काफी महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सभी को शिक्षा प्रदान करना सरकार का बंधनकारक कर्तव्य है। लेकिन राज्य में ऐसी कई जिला परिषद की स्कूलें हैं जहां अध्यापक ना होने के कारण स्थानीय छात्र शिक्षा से वंचित है। कुछ ऐसा ही मामला काटोल स्थित मलकापुर संभाग से सामने आया है, जहां अध्यापक ना होने के कारण छात्र रोज स्कूल जाकर भी निराशा का मुख लिए उल्टे पैर घर आने को मजबूर है, जिसके चलते अभिभावक और छात्रों ने शिक्षण अधिकारी से मुलाकात की। बात है काटोल तहसील के मलकापुर स्थित जिला परिषद स्कूल की, जहां पिछले 3 सप्ताह से अध्यापक ना होने के कारण छात्र रोज स्कूल तो जाते हैं, लेकिन ना कोई स्कूल खोलने वाला है ना ही कोई पढ़ाने वाला। एक ओर पढ़े लिखे युवा शिक्षक की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पद भर्ती ना होने के कारण उनकी डिग्री पेटी में धूल खा रही है। और दूसरी ओर पढ़ने की आशा लिए आ रही नन्ही उम्मीद की निगाहें अध्यापक ना होने के कारण उल्टे पैर लौटने के लिए मजबूर है। मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है, ऐसी करुण पुकार लिए नन्हे छात्र अभिभावकों के साथ जिला परिषद कार्यालय पर दरख्वास्त लिए शिक्षा अधिकारी से मिले। मैं दो रोज शाड़ी में जाता हूँ, अर्धे तास वाट पाए तो वापस है। तो अभिभावक अपने बच्चों को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए खून का पानी तक कर देते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उन्हें कई बार घुटने टेकने में मजबूर कर देती है। मलकापुर के इस जिला परिषद स्कूल में साल 2008 से 2023 तक एक अध्यापक थे, लेकिन वो 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, जहां बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं, जिसके चलते अब हमारे बच्चों का क्या होगा? ऐसा करुण सवाल अभिभावक ने प्रशासन से किया है। नहीं सर, शिक्षक शाळे मध्ये शिक्षक नहीं है, तो 30/7/2023 पासून शाळा चालू झालेले, पण 3 आठवडे लुटलेले आहे, परंतु एकही कामटेबा विद्यार्थी शिक्षक आलेला नाही आहे, आणि त्याच्यामुळे शाळे बाह्य पोरं कामटेबा शिक्षणापासून वंचित झालेले आहे। सेवान कारण की 2016 पासून तर 2023 पर्यंत शिक्षक होता, आणि तो 31 तारखेला रिटायर झाला मे महिन्यामध्ये, त्याच्या जागी कोणताही नवीन शिक्षकाची नियुक्ती न झाल्यामुळे कामटे पोरं शिक्षणापासून वंचित आहे। जिल्हा परिषदमध्ये आम्ही याच्यासाठी लोक आमचे चिमुकले जे पोरं शाळेमध्ये जातात त्या पोरांना कामटे शिक्षण मिळाले पाहिजे, आणि काय म्हणते बा त्यांना शिक्षण जो संविधानानं आम्हाला जो अधिकार दिला आहे त्या अधिकाराचा आम्हाला फायदा व्हायला पाहिजे, याच्यासाठी शिक्षक मिळायला पाहिजे म्हणून मी इथे आलेलो आहे। दररोज आपल्या वेळेवरती जातात, अर्धा तास थांबतात, शिक्षक कोणी येत नाही, शाळेचा दरवाजा कोणी खोलत नाही, त्याच्यामुळे ते वाट पोहोचवणे आपल्या घराकडे जातात। इस परिस्थिति के चलते अभिभावक और छात्रों ने जिला परिषद नागपुर का दरवाजा खटखटाया और वो शिक्षण अधिकारी रोहिणी कुंभार से मिले, जहां उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र में शिक्षकों की कमी होने के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। इस मामले में काटोल के गट शिक्षण अधिकारी से बात कर स्थिति का प्रबंधन किया जा रहा है, ऐसी आशादर्शी प्रतिक्रिया शिक्षा अधिकारी ने दी। 2 दिवसापूर्वीच मी गट शिक्षणाधिकारी यांना संपर्क केलेला होता, परिसरांना तिथले जे गट शिक्षणाधिकारी आहेत त्यांना यापूर्वी सूचना दिलेल्या होत्या, आणि तेही केंद्रातील शिक्षक उपलब्ध करून देण्याच्या नियोजनातच होते। काल रात्री पण माझा त्यांच्याशी संपर्क झालेला होता फोनद्वारे, आणि केंद्रामध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्या कारणास्तव आज सकाळपर्यंत त्यांनी नियोजन केलेलं आहे। आज सकाळी त्यांनी कुंभरेसर हे केंद्रातील शिक्षक त्या ठिकाणी पाठवलेले आहेत। गट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्याशी मी संपर्क केला असता त्यांनी असं सांगितलं की त्या शाळेला ऑलरेडी मान्यता नाही आहे, त्यामुळं तिथं नियमित शिक्षक देण्यासाठी अडचण निर्माण होते, आणि त्यामुळं तिथं तत्पूर्वी मागच्या 3-4 वर्षापासून जसा नियमित शिक्षक दिला जातो केंद्रातला तसा तात्पुरता शिक्षक देण्याबद्दल आपण त्यांना सूचित केलेलं आहे। गट शिक्षणाधिकारी यांना आपण आज तोंडी सूचना दिलेल्या आहेत, आणि तिथं शिक्षक पाठवण्याबद्दल आपण त्यांना लेखी पण अवगत करत आहोत। राज्य की ऐसी परिस्थितियों के बीच आखिर कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, ये सवाल या निशान मौजूद हो रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।